तुम ठीक हो? आज एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे विशाल को हमने हमेशा के लिए खो दिया है। सुरभि, अब सब सही है। विशाल सिर्फ हमारा है। अब कोई भी गैर साया हमें परेशान नहीं करेगा, कोई भी आहट हमें डराएगी नहीं, कोई भी उमा हमें ब्लैकमेल नहीं करेगी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती आज मेरे दिल पर से कितना बड़ा बोझ उठ गया है। सुरभि, तुमने रजनी से ऐसे बात क्यों की? कैसे बात? थैंक्स तो कहा उसे। हाँ, थैंक्स कहा, पर कहने का तरीका थोड़ा सा अजीब था। सिर्फ मुझे ही नहीं लगा, बाकी सबको भी लगा। प्लीज राजन, तुम भी जानते हो कि आज रजनी की वजह से पूरी बाजी पलट सकती थी। विशाल हमेशा के लिए छिन सकता था हमसे, मैं जेल जा सकती थी। हाँ, मैं समझता हूँ, पर ऐसा हुआ नहीं ना, फिर क्यों? हो तो सकता था ना राजन। रजनी ने आज बहुत बड़ा चांस लिया है। अगर तुम और क्रिश वहां वक्त पर नहीं पहुंचते तो, और मुझे परेशानी तो इस बात से हो रही है कि रजनी ने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार सोचा भी था। चलो ठीक है, हम जो हुआ उस बारे में बात नहीं करते हैं। अच्छा हुआ या बुरा हुआ वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ आज। रजनी की वजह से आज विशाल हमारे पास है। अरे कोई कारपेंटर को बुलाओ। देखो तो छिपकली को, कहीं भी आ जाएगी किसी भी वक्त। और ये क्या कारपेंटर क्यों चाहिए तुम्हें? नहीं, वो आपका दरवाजा बंद नहीं होता है ना, इसलिए समझे आप। दरवाजा तो ठीक है। ठीक है तो बंद क्यों नहीं करते? एनीवेज भैया आईपॉड दो ना। पागल है क्या? मैं नहीं दूंगा इसे, ये खोदेगी। अरे दो ना, संभाल के रखूंगी। अरे मैं नहीं दूंगा, अजीब है यार। अरे भैया दो ना प्लीज। अरे इसको समझाओ, नहीं दूंगा मैं। नहीं देंगे? हाँ नहीं दूंगा। पक्का? हाँ पक्का नहीं दूंगा यार। सोच लिया? अरे सोच लिया, नहीं दूंगा। तो ठीक है, मैं भाभी को आपका वो राज बता दूंगी। अगर तूने ऐसी बदतमीजी की ना नमिता, ये इतनी मासूम है नहीं जितनी लगती है। भाभी भाभी वो भैया ने ना, तो मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। कौन? नमिता चुप कर, वो सरप्राइज है नमिता। मैं छोड़, क्या करते रहते हो? तू बिल्ली की तरह भागते रहते हो। माँ इसको बोलिए चुप रहे, ये ना सरप्राइज रजनी को बता देगी, समझती नहीं है पागल। कौन सा? वो वाला सरप्राइज? आप इतना मुस्कुरा के रही हो? इसने बताया आपको कुछ? पता है आपको? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है। छोड़ भैया। कौन सी सरप्राइज जो नमिता ने तुम्हें बताई? एक सेकंड, आपको भी पता है कि नहीं? नमिता, वो सरप्राइज जो तुमने हम सबको बताई, रजनी को बता तो नहीं दिया ना? सुरभि, विशाल और राजन ने तो नहीं बताया क्रिश बेटा? और मैं चित्रंगदा को भी बोल दिया, सरप्राइज सुना तो सुना लेकिन रजनी को मत बताना, ठीक है? तू फिकर मत कर बेटा, भीना बेन ने मुझसे वादा किया है कि वो रजनी को नहीं बताएगी। मतलब आप सबको सब कुछ पता है? नमिता की बच्ची, एक बात नहीं टिकती तुम्हारे पेट में, सबको सब कुछ बता दिया। देखिए मैं हाथ जोड़ता हूँ आप लोगों, अगर आप लोगों को सब कुछ पता है तो प्लीज रजनी के लिए ये सरप्राइज रहने दीजिए, उससे कुछ मत बताइएगा प्लीज। बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। बस गोपी, रजनी के आते ही मैं बता दूंगी कि फार्म हाउस के बारे में हमें कुछ नहीं पता। बताइए। हाँ बेटा। आप प्लीज अपने हाथों से थेपला खिलाओगे? चुपचाप खा ले विशाल, वरना सुबह सुबह बहुत पिटने वाला है तू। मॉम, लगता सुरभि दीदी के बदन में फिर से वो प्रेत आत्मा आ गई है। हाँ और अब वो यहीं रहने वाली। मैं हो सके उतना ज्यादा वक्त विशाल के साथ बिताना चाहती हूँ। हाँ सुरभि दीदी, जितना वक्त बिताना है बिता लीजिए, आज शाम को हमारी मीटिंग है जीवनानी के साथ, डिनर भी है। बेटा विशाल की चिंता मत करो, हम उसे संभालेंगे। हाँ हाँ सुरभि दीदी,
साथ हो आइए। नहीं कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। पर दीदी। रजनी मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज। भैया आप भाभी को क्यों नहीं ले जाते अपने साथ? रजनी क्या करेगी ऑफिस में? हाँ वो तो बोर हो जाएंगी, वहां पे सिर्फ ऑफिस की बातें होती हैं। हाँ, ऑल पिल चांग चुंग डांग डिंग डिंग डांग। क्या? अरे ऐसी रजनी की हालत होगी जब वो लोग वो अंग्रेजी में किट पिट करेंगे। और ये तेरी गांव की गोरी हमको मुझे भी क्रश ना करके आ जाएगी। तो गया काम से क्रिश बेटा। सुरभि जरा टॉवल देना। नहीं नहीं मैं टी शर्ट चेंज करके आता हूँ। नहीं नहीं चित्रा लेके आएगी ना टॉवल। अरे डैमेज कंट्रोल मां, डैमेज कंट्रोल। रजनी रजनी आई एम रियली वेरी सॉरी। चेंज कर लीजिए। क्यों? आपको बड़ी हंसी आ रही है ना, दूसरों पे शर्ट गीली हो जाती है इसलिए चेंज कर। मैं तुम पे नहीं हंस रहा था। और भी हंसी आएगी, ये शर्ट भी गीली हो जाएगी, मैं दूसरी लेती हूं। देखो वो वीना बुआ ने कहा इसलिए मैं। और भी कुछ कहेंगी आपको और हंसी आएगी, मैं आपकी बैग पैक कर दूं। तुम समझ नहीं रही हो, आई एम रियली सॉरी। ये तुम्हारी, आई एम सॉरी, ये भी तुम्हारी नहीं, मैं मेरी गलती, मतलब चाहिए चाहिए, वो बुला रही है आपको, और भी हंसी आएगी चाहिए। रजनी देखो मैं सिर्फ तुमसे माफी मांगने आया था वो। ओ क्रिश। हां आया। आई एम सॉरी, हां आई एम रियली सॉरी। क्यों शर्ट दिया नहीं बहू ने चेंज करने? हैं जोरू के गुलाम, ऐसा भी क्या कह दिया था मैंने कि तुरंत उठ के चला गया मनाने? माँ मैं वो क्या सोच रही थी, क्यों ना हम लोग वो जियो जियो जियोवानी जियोवानी। हाँ भाई, क्यों ना हम उन्हें घर पर ही खाना खाने बुला ले, बाहर खाने की झंझट भी नहीं होगी और सुरभि दीदी को विशाल की चिंता भी नहीं होगी और वो उनसे मिल भी पाएंगी। हाँ ये अच्छा आइडिया, क्यों क्रिश? हाँ हाँ बहुत अच्छा आइडिया। आप बाहर बैठकर अंग्रेजी में बातें करना, मैं अंदर खाना बनाऊंगी। तुम्हारे हाथ से पका खाना खाते ही डील फाइनल कर देंगे वो इटली वाले। ओके तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि शाम की मीटिंग हम घर पे ही करेंगे। हाँ मैं तैयारियां कर लेती हूँ। चित्रा चावल ठीक तरह से चुनना, एक भी कंकर निकलना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट मेहमान आने वाले हैं। हाँ और वो बर्फ की ट्रे खाली करके नया बर्फ जमा देना। हाँ मॉम मुझे पता नहीं था कि हम लोग पंचगनी के इको पॉइंट पे रहते हैं। है? और नहीं तो क्या, मॉम की हर बात पे आपका इको आता है, हैं हैं हम। एक मिनट कहाँ जा रही है तू, तैयार होके? हाँ सॉरी कहीं नहीं मामू, थोड़ा काम से जा रही हूँ। सुन तुझे पता है ना मेहमान आने वाले हैं घर पे? हाँ पता है मैं जल्दी आ जाऊंगी। एक मिनट, यहाँ यहाँ घर के कामों में मदद नहीं कर सकती तू? अरे घर की जिम्मेदारी तेरी भी है ना, घर साफ रहे, खाना अच्छा बने, है कि नहीं? That's the point. मैं वहाँ पे जाऊँ सारा काम बिगाड़ दूँ, इससे तो बेटर है कि भाभी को उनका काम करने दूँ। अरे ना हर बात का जवाब है इसके पास। आप भी ना जाने दो, यशोदा बच्ची है, आपने बिगाड़ के रखा है उसे। हाँ भाभी अच्छा ठीक है ओके बस बस बस। अरे आप लोग इतना आर्गुमेंट मत कीजिए, मैं कहीं नहीं जा रही, घर पे ही हूँ, भाभी को मेरी हेल्प की जरूरत है। अच्छा देखा, दो बंदरों को लड़ाकर बिल्ली भाग गई। What is this? Mr. Jivani, this is called the aarti. It's the traditional welcome in India. Please come in. Mr. Jivani, he's my dad. Welcome to our house. Namaste. And she's my younger sister, Namita. Hi. Come this side, please. Mr. Jivani, this is my aunt, my granny, my mom. Namaste. And of course, my wife,
Rajni. Your wife is so pretty, Krish. Yeah, she is. Thank you. Please feel at home. No, I still believe that the projections of the last year, if we see and compare it with this year, the whole thing which Surbhi Didi and I have spoken to you about is very different. Some soft drinks? These are some mocktails. I will be back with snacks and finger food. रजनी अचानक से इतनी अच्छी अंग्रेजी कहाँ से बोलने लगी? मुझे तो लगता है भाभी के शरीर में ना कोई इंग्लिश बोलने की आत्मा घुस गई है पहुंची। तो ये ढोकला कैसे बना रही है? सॉरी मॉम, मैं बुआ जी पे नहीं हंस रही हूँ। मुझे तो भैया की हालत देख के तरस आ रहा है कि उनकी क्या हालत हो रही होगी। बेचारे का काम में ध्यान ही नहीं है। What is the estimate of the packaging cost, Chris? Nothing, zero. Are you serious? Yeah, it's you package yourself. What a sense of humor. ध्यान कहाँ है तुम्हारा? Mr. Giovanni. Packaging cost? It is 3 rupees per box. We bought it down, yeah. Everything is delicious. Everything has been cooked by Rajni Bhabhi. What is this, Rajni? It is dahi vada, made of curd. It's a dairy product. We'll be including this on our business now. Oh, it's amazing. I want to its recipe, Rajni. It's very simple. Milk sleep in the night and in morning it becomes light. What is this? That's dhokla, a fermented rice and dal dumplings that are steamed. Wow, Rajni, you are the good cook. Thank you. I'm glad you liked it. Right. Well, thank you for the wonderful evening. We had a good time. Pleasure was all ours. Please do visit again. Mr. Giovanni, I'll see you to the car. Let's plan a plant visit. Right. You were so amazing. Sit. I couldn't believe my ears. I mean, your English is awesome. I'm mind blowing. Hindi. Hindi mein boliye na, please. Tum to niche ho. Haan, mujhe thodi thodi angrezi hi aati hai. To phir? Namita se pooch pooch kar rata tha. Kya, kahan, kaise bolna hai? Sab usi ne samjhaya tha. Acha, ye batao ki agar wo तुमसे कुछ और पूछ लेते, यानी सिलेबस के बाहर का पूछ लेते तो क्या करते? तो ऐसे खास कर एक्सक्यूज मी बोलकर चली जाती। सच में तुम कमाल हो रजनी। आपकी इज्जत का सवाल था, मेरी वजह से आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। शर्मिंदगी का एहसास क्यों होगा मुझे? रजनी, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारी सारी खूबियां, सारी खामियां सब मेरी हैं, मेरे नसीब में। और सच कहूं तो जिस दिन से मैंने तुमसे शादी की, उस दिन से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, नोटिस कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ खूबियां दिख रही हैं। कभी कभी तो सोचता हूं एक खामी तो मिले, एक नहीं मिलती। और अगर कोई खामी मिली तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, मैं कंप्लेन तो नहीं करूंगा, क्योंकि चॉइस तो मेरी हो ना।
यार ये फिर आ गई बीच में, कब सुधरेगी ये? ओ, मुझे बीच में आने का कोई शौक नहीं है, ये तो सिर्फ बिल देने आई थी मैं। बिल? नमिता कोचिंग क्लासेस फर्स्ट सिटिंग 35,000 35,000। भाभी को इंग्लिश सिखाए ना उसका। हाँ लेकिन उसके 35,000। बार्गेनिंग नहीं। मॉम ने एक तो क्रेडिट कार्ड्स बंद कर दिए, अभी खुद का तो देखना ही पड़ेगा ना, इतने सारे खर्चे, इतनी महंगाई का जमाना। अगर तुझे ना दूं तो? तो मैं भाभी को वो सरप्राइज बता दूंगी। चुप कर, कुछ भी। आई बड़ी ये 500 तेरे लिए। 35,000 से सीधे 500? लेना है तो ले वरना मैं वापस रख दूंगा। और वैसे भी सरप्राइज सरप्राइज बोल के तूने आधी सरप्राइज बिगाड़ दिए, मैं ये वापस रख दूंगा, अगर नहीं चाहिए तो बोल दे। गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। फिलहाल काम चला लूंगी। अब कैसी सरप्राइज है? एक सरप्राइज अभी पूछना जरूरी था, बता दूं। विशाल खाते वक्त पैर नहीं हिलाते बेटा। नहीं और सिर हिलाते हैं। सिर किसने हिलाया? अभी आपने ही तो हिलाया। मैंने कब हिलाया? अरे अभी तो आपने सिर हिलाया ऐसे करके। जीजू हिलाया कि नहीं? नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैंने दिया था, दीदी ने ऐसे करके सर हिलाया था। वो ऑफिस में एम्प्लॉय बोनस मांगते रहते हैं ना, इसलिए इनको आदत हो गई है ऐसे ऐसे सर हिलाने की। अरे सिर हिला भी दिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? क्यों छोटी सी बात के लिए बतंगड़ बना रहे हो तुम दोनों? अरे मैं तो सिर्फ कबूल करने के लिए बोल रही हूँ। देखिए देखिए मोबाइल जैसे वाइब्रेट हो रहा है, हिलाना दीदी का चेहरा। मैंने नहीं हिलाया। लेकिन तुम तो हिला रही हो। अब तुम्हें भी लगने लगा। ये क्यों बिना वजह झगड़ा कर रहे हो? किसने शुरू किया ये? मम्मी मुझे तो नमिता मौसी ने कहा था खाते वक्त पाँव हिलाना। नहीं वो एक्चुअली रजनी भाभी थी नहीं ना, तो मुझे लगा कि ब्रेकफास्ट थोड़ा बोरिंग जाएगा तो बस मनोरंजन के लिए। और अपने मनोरंजन के लिए तू हमें ना चाहिए है ना? वैसे कहाँ गई है सुबह सुबह रजनी? क्रिश उसे सरप्राइज देने ले गया है। सुरभि आज का पेपर पढ़ा? नहीं पापा। देखो क्या आर्टिकल छपा। क्या है? इसका कोई ना कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा पापा, ये लोग तो बहुत परेशान करने लगे हैं। देखू तो जरा, मुझे भी परेशान होना है। इधर आ, मैं परेशान करती हूँ तुझे। चल लेकिन आ इधर आ। तुझे बीमारी क्या है? हाँ हर बात में मनोरंजन ढूंढती रहती है। मॉम मैं जानना चाहती थी कि क्यों जानना चाहती है? बिजनेस के ABCD के बारे में भी पता है तुझे? जो बात तेरे दायरे में नहीं उसे जानकर क्या करेगी? क्यों उसमें टांग अड़ाती फिरती रहती है तू? हाँ अभी देखा ना कितनी परेशान थी। तू अगर बात जानेगी तो तू भी परेशान होगी और इससे उन्हीं की परेशानी बढ़ेगी। सॉरी। देख बेटा उन्हें अगर लगा कि हमें बताना चाहिए तो बता देंगे वो, हमें सामने से जाकर उनकी परेशानी नहीं बढ़ानी है। ठीक है चल वाली कर। दारे रे, दारे ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? इतने पल धीरज रखा है तो बस थोड़ा सा और इंतजार सही। बिना नाए आ गए, घर पे सब चिंता कर रहे होंगे। जिस पल में हो उसको एंजॉय करो, हर पल को जियो। देरे ना, देरे ना, देरे ना, देरे ना।